Hello, and welcome to the Saptak Archives podcast. This is a new initiative by Saptak. A panel of serious musicians have undertaken to select gems of music from the Saptak Archives collection and also from other sources. The objective here is to propagate our musical heritage and to build a vibrant community around it. We do hope that you will enjoy this podcast, and please do help us to improve it by giving us your feedback. Thank you. I am Manju Mehta, sitarist, founder trustee of Saptak School of Music. Namaskar. Sitar is the most popular instrument of Hindustani classical music. There are dozens of concert performers who have mastered this instrument. For an event organizer, it presents a problem of plenty. Most listeners perceive shades of difference in their presentation, but yearn to know how they are different. In this series, we present four different bajs of sitar. These are Mehar Gharana, founded by Ustad Alauddin Khansaheb, Itawa Gharana, founded by Ustad Imdad Khan Saheb, Senia Gharana, popularized by Ustad Mushtaq Ali Khan Saheb, and Bishnupur Gharana, leading exponent being Pandit Manilal Nag. A leading exponent of each one of this Gharana Baj will give a commentary highlighting its special features and illustrating the same using representative recordings. I am sure all of you will enjoy this assemblage of sitar recordings curated by Gharana Baj leaders. The third in the series is the Baj known by the style evolved by Ustad Mushtaq Ali Khan Saheb. Pandit Debu Chaudhary Ji being its best known exponent. Today's podcast is presented by Pandit Debu Chaudhary Ji, and we are thankful for his valuable support. हमें बहुत खुशी है कि आज ऐसे कलाकार को आप सुनने जा रहे हैं जो आज तो हमारे बीच में नहीं है, मगर संगीत के जगत में एक महान विभूति थे। हमें सबसे बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि उनको आज के जो श्रोतागण हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बारे में जाना नहीं जाता। सितार सुधाकर उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब, जो हमारे पूजनीय गुरु जी थे। मुझे खुशी इसलिए है कि मुझे मौका मिला इनके बजाने के एक अंश में कहूँगा एक झलक आपको सुनाने की, राग बिहाग में रजा खानी गत कैसे बजाते थे। बहुत लोगों को इस बात को मालूम नहीं, ये बंदिश को इतनी उनकी मजबूत बंदिश होते थे, ये उनको बजाकर स्पीड में जाकर भी तान लेकर भी बंदिश को कैसे लाना पड़ता है, ये इसमें आप सुनिए, आपको पता चलेगा। खान साहब एक महान कलाकार थे, सत्रह पर्दे में जयपुर सेनिया घराने के थे। हमें खुशी है कि जो आज उनके एक झलक सुनाने की हमें मौका मिला, हमें आशा है आपको अच्छा लगेगा। Thank you.
सितार सुधाकर उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब के बारे में कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि वो ऐसे महान कलाकार थे जिनके बारे में 2-3 मिनट में कुछ बोलना संभव नहीं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माध्यम से जो रिकॉर्डिंग है जयपुर सीनिया घराने के प्रवर्तक उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब की राग दरबारी, उनकी खासियत थी बांदे बजाने में, वो कभी मुड़की का सहारा नहीं लेते थे और उनको सितार बजाने में एक अपना ही शैली था। खास करके आज हम आपको उनके बजाया हुआ जोर सुना रहे हैं राग दरबारी कानड़ में। जोर में एक मध जोर अंग है जिसमें थोड़ी सी लय बढ़ा के करते हैं, जिसमें बोल की मिश्रण है। बोल इसलिए मिश्रण है क्योंकि मीन अंग में बजाने से बोल आना ज़रूरी है। तो खान साहब के बजाने में हम तो सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहे, हुआ नहीं हमसे, जो एक स्वर लगाते थे इतने गंभीर लगता था कि मैं एक समुंदर के सामने खड़ा हूँ। और बजाने में बोल जो होते थे वो बोल इतनी तरह की होते थे जो आजकल हमें सुनने में नहीं आता है। आशा करता हूँ इस राग दरबारी कानना में जोर के एक हिस्सा आपको सुनने से अच्छा लगेगा। Oh.
हमारे जयपुर सेनिया परंपरा के हमारे गुरुजी पूजनीय उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब का बताया हुआ उनकी रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा नमूना है, उदाहरण है, पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने, कोशिश कर रहे हैं राग ललित बजाने की। इसमें सबसे बड़ी बात है, पहले हम लोग 17 पर्दे में सितार बजाते हैं और कोशिश करते हैं कि ध्रुपद शैली के अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमेशा हमें बताया, देखो बेटा, सच्चाई में रहना। संगीत में सच्चाई में रहने का उदाहरण हमारे उस्ताद के सामने जो भी आप लोग सुनेंगे आपको पता चल जाएगा वो कितने महान कलाकार थे। मैं उनका शागिर्द हूँ, 17 पर्दे में सितार बजाता हूँ, उनकी स्टाइल को अनुकरण करता हूँ, कोशिश करता हूँ और थोड़ी सी अपनी भी योगदान है। योगदान का मतलब है, जैसे विलंबित में थोड़ा सा बजाना, मस्जिद खानी बजाना, इस तरह से हमें कोशिश करते हमने पेश किया है। आशा है आपको पसंद आएगा।